बहुत से लोग कोबरा और किंग कोबरा को एक ही प्रजाति के सांप मानते हैं, लेकिन दोस्तों कोबरा और किंग कोबरा की दो अलग अलग प्रजातियां होती है और इन दोनों सांपों में काफी भिन्नताएं भी पाई जाती है। तो चलिए आज के वीडियो में हम कोबरा सांप और किंग कोबरा सांप में क्या फर्क होता है इस बात को विस्तार से जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भास्कर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सर्प मित्र डॉक्टर भास्कर। कोबरा और किंग कोबरा में पाए जाने वाली प्रजातियां, उनके शरीर का आकार, उनमें पाया जाने वाला वेनम, उनके प्राकृतिक आवास, उनका आहार, उनके फन या हूण निकालने का अंदाज, उनकी रेंज या श्रेणी, इनका दूसरे जानवरों के प्रति व्यवहार, इन दोनों सांपों से इंसानों को होने वाले खतरे का स्तर और इनके संरक्षण की स्थिति, इन सारी बातों के अध्ययन के अनुसार इन दोनों सांपों में काफी भिन्नता पाई जाती है। नंबर एक, कोबरा सांप का स्पेसिस नाजा नाजा होता है तो किंग कोबरा सांप का स्पेसिस ऑफियोफैगस हनाह होता है। कोबरा सांप की स्पेक्टेकल कोबरा, मोनोक्लेड कोबरा, अंडमान कोबरा और एशियन कोबरा ऐसी मुख्य चार प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन किंग कोबरा सदियों से ऑफियोफैगस हनाह के रूप में ही देखा जा रहा है। इसकी दूसरी कोई प्रजाति नहीं है, इसलिए कोबरा और किंग कोबरा इनके स्पेसिस के आधार पर दो अलग अलग सांप है। नंबर दो, इन दोनों सांपों के शारीरिक रचना एवं आकार में भी काफी भिन्नता पाई जाती है। आमतौर पर किंग कोबरा को विषैले सांपों में दुनिया का सबसे लंबा और बड़ा सांप माना जाता है। किंग कोबरा 18 फीट भी लंबा हो सकता है, जबकि नियमित कोबरा आमतौर पर आकार और लंबाई में छोटे होते हैं। इनकी औसतन लंबाई 4 से 6 फीट तक होती है। नंबर तीन, कोबरा और किंग कोबरा की उम्र में भी काफी भिन्नता पाई जाती है। किसी भी कोबरा की औसतन उम्र 15 से 20 साल होती है, जबकि किंग कोबरा अन्य किसी भी सांप की तुलना में सबसे अधिक जीने वाला सांप है। किंग कोबरा 45 से 50 साल तक भी जीवित रह सकता है। नंबर चार, इन सांपों में पाया जाने वाला वेनम। वैसे देखा जाए तो ये दोनों सांप हाईली वेनमस होते हैं, लेकिन कोबरा की तुलना में किंग कोबरा का वेनम ज्यादा पोटेंट यानी शक्तिशाली होता है और वेनम की क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा होती है। किंग कोबरा का वेनम बड़े से बड़े शक्तिशाली हाथी को भी मार गिरा सकता है। नंबर पाँच, इन सांपों का प्राकृतिक आवास। आमतौर पर कोबरा स्नेक भारत के वनों से लेकर ग्रामीण और शहरी इलाकों में सभी जगहों पर पाया जाता है, लेकिन किंग कोबरा ज्यादातर इंसानों से दूर एकांत में रहना पसंद करता है, इसलिए किंग कोबरा घने जंगलों और झाड़ियों में रहते हैं। दुर्भाग्यवश इंसानों द्वारा जंगलों को होने वाले भारी नुकसान के कारण किंग कोबरा का सामना इंसानों से होने लगा है। नंबर छह, इनका आहार। कोबरा सांप के आहार में काफी भिन्नता पाई जाती है। कोबरा सांप रोडेंट्स, बर्ड्स, छोटे छोटे मैमल्स के साथ साथ अन्य सांपों को भी खाते हैं। फिर भी कोबरा का मुख्य भोजन चूहे होता है, तो इसके विपरीत किंग कोबरा सिर्फ दूसरे सांपों को ही अपना शिकार बनाता है। किंग कोबरा का मुख्य भोजन दूसरे सांप होते हैं, इसलिए इसे ऑफियोफैगस हनाह के नाम से भी जाना जाता है। ऑफियोफैगस का मतलब है दूसरे सांपों को खाने वाला सांप। नंबर सात, इनका फन या हुड निकालने का अंदाज। इन दोनों सांपों को खतरा महसूस होने पर ये अपना हुड हवा में उठाकर सामने वाले को डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। कोबरा सांप का हुड हवा में ज्यादा ऊपर नहीं उठता। कोबरा अपने हुड को 1 से 1.5 फीट तक हवा में उठा सकता है, लेकिन किंग कोबरा एक इंसान के हाइट जितना अपने फन को हवा में उठा सकता है। नंबर आठ, इनका क्षेत्र। किंग कोबरा आमतौर पर दक्षिण पूर्व एशिया और भारतीय उपमहाद्वीपों में पाया जाता है, जबकि कोबरा सांप अफ्रीका और एशिया से लेकर लगभग पूरी दुनिया में पाया जाता है। नंबर नौ, इनका बिहेवियर। किंग कोबरा शर्मिले किस्म के सांप है जो एकांत में रहना पसंद करते हैं। किंग कोबरा को इंसान का सहवास पसंद नहीं होता, इसलिए वो इंसानों से दूर रहते हैं, जबकि सभी कोबराज बहुत गुस्सेल और अग्रेसिव होते हैं। कोबराज कभी कभी ग्रुप में भी दिखाई देते हैं, लेकिन किंग कोबरा अकेले रहना पसंद करते हैं। नंबर दस, इन दोनों सांपों से इंसानों को होने वाले खतरे का स्तर। किंग कोबराज और रेगुलर कोबराज दोनों ही अपने जहर के कारण मनुष्यों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, लेकिन इंसानों के साथ कम मुठभेड़ होने के कारण किंग कोबरा के काटने से कम मौत होती है, जबकि हमारे देश में कोबरा सांप के काटने से हर साल सबसे ज्यादा मौतें होती है। नंबर 11, इनके संरक्षण की स्थिति। इंसानों द्वारा भारी मात्रा में जंगलों की कटाई होने के कारण और किंग कोबरा को पालने के लिए उस पर अत्यधिक अत्याचार होने के कारण किंग कोबरा खुद को असुरक्षित महसूस करने लगा है। किंग कोबरा की सुरक्षितता बनाए रखने के लिए इस सांप का आयुषियन रेड लिस्ट में समावेश किया गया है, जबकि कोबरा सांप को भी खतरों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इनका विवरण व्यापक होता है और कोबरा सांप की कुछ प्रजातियां जैसे कि स्पेक्टेकल कोबरा भारी मात्रा में पाई जाती है, इसलिए कोबरा सांप को असुरक्षित सांपों की सूची में वर्गीकृत नहीं किया गया।
बस यही कुछ बातें हैं जो कोबरा स्नेक और किंग कोबरा स्नेक को अलग अलग बनाती है। फाइनली आप ध्यान रखिए, कोबरा और किंग कोबरा एक नहीं बल्कि अलग अलग प्रजाति के दो सांप है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो आपको? उम्मीद है कि ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।